ख बातें करो। तोता बोल। शिवरात्रि है ना, हमारे यहाँ पे सुबह में पूजा होता है, मतलब मंदिर पे, लेकिन हम लोग रात को ही करते हैं। बम बम भोले, आप सबको महाशिवरात्रि का ढेर सारे शुभकामनाएं। स्वीटी भी स्वीटी का हंडी पकड़ो, हंडी शिव जी का हंडी। बम बम भोले। बम बम भोले। शिव जी का लंबा ढक गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सांत्वना विनय, शिव जी का माथे से सब कुछ थोड़ा हटा है ना, क्योंकि नॉर्मली शिव जी का सर पे कुछ नहीं रखते। देखे जस्ट छुआ और हमारे यहाँ पे सुबह में पूजा होता है, तो मैं तो नहीं आ पाई क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। मंदिर बहुत सुंदर तरीके सजाया, बहुत सुंदर लग रहा है, एक अलग सा वाइब्रेशन लगता है, चारों तरफ फूल, गेंदा फूल जहाँ पे भी रहता है ना, एक अलग सा रौनक लगता है, तो वही हमारा पूजा करना होगा। दही में धनिया पाउडर 2 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्दी, मेड पंजाबी गरम मसाला और कश्मीरी चिल्ली पाउडर, और इसको अच्छी तरह से अभी फेंटना है। घी में तेज पत्ता, सूखी मिर्च, चुटकी भर हींग, और इसको अभी भूनना है जब तक ना पानी एकदम रिड्यूस हो। और मसाला इस तरह से काफी देर तक ड्राई ड्राई कर लिया, उसमें ग्रेटेड जिंजर, बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा शुगर क्योंकि खट्टा है, अंदाजा से सॉल्ट, और भुनने के बाद पानी अंदाजा से, और बॉयल पोटैटो, इसको अभी 5-7 मिनट बॉयल करना है। और ये होने के बाद जस्ट लास्ट में गैस ऑफ करके थोड़ा सा इलायची पाउडर और 1 चम्मच घी, बस ये देख के गैस ऑफ करके थोड़ा सा मतलब ढक के रखना है। सांत्वना का डिमांड आज अपना दिन से वेट कर रहा था, कब मिलेगा पूरी। सबसे बोला था पूरी खाएंगे, तुम आओ तब पूरी खाएं। और देखो मेरे से पहले और एक खुद हाजिर है। हो गया पढ़ाई? कल उसका केमिस्ट्री एग्जाम है, लास्ट एग्जाम है। शिव जी का नाम लेकर पढ़ लिया ना। हाँ शिव जी जाकेंगे, लिखेंगे क्या? तुमको लिखना पड़ेगा पेपर। महाशिवरात्रि का आप लोगों को ढेर सारा शुभकामनाएं। बम बम भोले, बम बम भोले। आप सबको बहुत अच्छा लगे, खुश रहे। देखो आज बहुत दिन बाद अच्छा मैं बोला अच्छा लगेगा ना, और देखो ये तो कितने बार हो चुका है ना, स्वीटी पढ़ाई करते गो, देखो वहाँ पे पढ़ाई कर रही है और इधर तुमने बुक्स खोल के रखा, बंद करके सब क्या होता है पता है, तुम बंद कर दो, पलट हो जाएगा। हाँ बोलते है सारे सब उब जाएगा, बंद करके हमेशा चाहिए। सिखा सिखा के ना दिमाग खराब हो जाता है। आज यही पूरी, आलू दम, और ये बनाया मीठा चावल मिष्टी पुलाव, और ये है असली रसगुल्ला, और चमचम 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 चमचम। अरे सांत्वना ने बोला था आज आलू दम बनाओ, तो था अभी वो बेचारा पूरी नहीं खाया इतने दिनों से। चलिए सांत्वना क्या होता है, इतना स्पेशल रेसिपी आप लोगों को देखने मिल रहा था, वही ज्यादातर वही बनाता है नॉर्मली, वही मेरे लिए इजी रहता है, वो इजी, वो सांत्वना बोलता वो मेरे लिए इजी है, और जो बंगाली रेसिपी होता है ना झोल चौचड़ी वो बोलते बहुत डिफिकल्ट है, वो नहीं बनाता कभी भी, इसीलिए ज्यादातर वही सारे मुगलाई स्पेशल रेसिपीज। छोटी बातें करना भूल गई लग रहा है ना। और आ क ख बातें करो। तोता बोल। छोटी बातें काम कर रही है, ऑब्वियसली उस टाइम पे मुझे मिस कर रहे थे, लेकिन अभी कैसे शौक है क्या? चुपचाप हो गई बहुत। कैसा बना है आलू दम? ये देखो ये बहुत सचमुच ये जबरदस्त बनता है, ग्रेवी आप ग्रेवी हिसाब से बना सकते हो या सूखा बना सकते हो। ऑब्वियसली लुची और रसगुल्ला एक बहुत नहीं, स्वीटी अभी ना स्ट्रेस में है ना,
एग्जाम के, कल लास्ट एग्जाम ना, बस ऑल द बेस्ट। बस उसके बाद नहीं, उसके बाद काफी सारे काम है बाबा, उसके बाद ही था असली क्लास 10 स्टार्ट। I've heard a story, I've heard it said, I've come to believe that love is a bet. Sometimes you win and sometimes you lose. Good morning. पूरा अंधेरा 6:30। देखो 6:30 से सन इधर से निकलता है लेकिन पूरा अंधेरा है। See, यहाँ पे मॉर्निंग फिर भी था, अभी विंटर के टाइम इससे भी अंधेरा रहता 6:30। Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you बाबू ऑल द बेस्ट। आज लास्ट एग्जाम है केमिस्ट्री। भीड़ देखो, सब पेरेंट्स आए हैं छोड़ने। 7:03 बज रहा है, अभी लाइट हुआ है, अच्छा लग रहा है, चारों तरफ पंछी। और 2 घंटे के बाद मैं फिर से निकली हूँ स्वीटी को पिकअप करने, और मैं इस बार स्काईवॉक से जा रही हूँ क्योंकि इतना ट्रैफिक रहता है ना, उस इतनी ट्रैफिक में ना ऑटो में जाने से लगता है उससे ज़्यादा मैं तो पैदल ही उससे आधा घंटा पहले पहुँच जाऊँगी, इसीलिए मतलब जल्दी जल्दी भी हो जाएगा। और स्काईवॉक बहुत अच्छा है, खाली खाली रहता है, तो चलो चल के चलते हैं। और स्वीटी को पिकअप कर लिया, सारे बच्चे एकदम मतलब जो जो बच्चे को छोटा देखा था सब बड़े हो गए, मतलब पहचान में भी नहीं आ रहे कुछ कुछ बच्चे। रियाज कर फटाफट, घर आते आते इतना लेट हो गया। नारियल पानी, सिटी अभी पानी पिए। अरे बाप रे, आज इतना ट्रैफिक था, 15 मिनट का रास्ता, 1 घंटे लगे। अभी सोचा पहले नारियल पानी, स्वीटी तो नारियल पानी सुबह में पी के जाती है, मैंने पिया नहीं, मैं गर्म पानी पी के गई थी। बाबा 10:45 एक नारियल आना, और आके एकदम अच्छी तरह से नहा लिया। इतना गर्मी लग रहा था आज, मतलब अचानक अचानक वेदर कैसे, कल रात को तो ठंडी, रात को ठंडी लगी, और आज स्वीटी आके थोड़ा सा सो भी गई थी। अरे देखो क्या कर रही है, आज बोल रहे तुमको कुछ खाना खिलाएंगे, क्या खाना खिलाएंगे पता नहीं, इतने दिनों से खाना बना रही थी ना। ए मेरा चप्पल पहन के और भी लंबा हो गया, मेरा बच्चा लंबा हो गया। नहीं चप्पल पहना, इतना बड़ा हील्स वाला चप्पल है, क्या बना रहे है? देखो क्या बन रहा है, देखो देखो क्या बन रहा है, पर्पल बंदा गोभी, बचपन में इसको बोलते थे अरे कलर कर दिया, हमारे बचपन पे तो ये सब था नहीं। क्या पर्पल बंदा गोभी, क्या चिशनी, गाजर, गाजर नहीं है, बेल पेपर। अच्छा रेड बेल पेपर, मतलब लाल वाला कैप्सिकम, ये सब फ्राई फ्राई किया जा रहा है, और अनियन भी है। अच्छा देखिए क्लोजअप, देखिए क्लोजअप, हाँ ये देखो आप लोग, ये सब फ्राई किया जा रहा है, पंखिया दिया जा रहा है, सोया सॉस, हाँ सिसमी मतलब तिल जरूर डालना छौंक में, ये होता है ना हमारे छौंक में कलंजी, जीरा डालते इसमें तिल डालते, और तिल का तेल मैं बना रहा, तिल का तेल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसीलिए स्वीटी को भी बहुत पसंद है, टेस्टी होता है। और मेरा चप्पल दे ना, मेरा पैर में दर्द है, क्या देखो उसका वाला चप्पल खरीदने के टाइम बोलते नहीं नहीं जरूरत नहीं है, ऐसे ही तो स्वीटी करती है ना, आप लोगों को तो पता ही है स्वीटी का नेचर, जब भी ड्रेस खरीदने बोलते नहीं 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 जरूरत नहीं है, उसको पता है मम्मी का है ना। अभी ये थोड़ी, ये गर्मी के लिए थोड़ी है, अभी गर्मी गर्मी जैसे फील हो रहा है। ये कब का है सिटी, और ये है स्पाइस, स्पाइस ये मिलता है, मैं ये खरीद के लेके। अब क्या डालोगे, थोड़ा सा वही स्पाइस स्पाइस बोलते हैं इसको एक्चुअली, ले हुआ। और ये है राइस, ऑब्वियसली राइस एक्सपर्ट सिटी, स्वीटी राइस बनाएगी और खाएगी, जॉब करेगी तब भी ना स्वीटी, सिर्फ राइस डिपेंडेंट, राइस इम्पोर्टेंट, स्वीटी का स्टेपल डाइट है, हाँ ऑब्वियसली हमारे लिए स्टेपल डाइट है राइस, तो उसको राइस दे के अच्छी तरह से मिक्स करो, बस हो गया, फ्राई करना है, फ्राई करना है, थोड़ा सा फ्राई करेंगे अभी तो फ्राइड राइस होगा, सिर्फ फ्राइड राइस, हाँ फ्राई करो, राइस करो उसमें आपकी पसंदीदा चीजें डालो, लेकिन ये वाला जो खुद इसका जो टेस्ट है ना, स्वीटी बनाती जब भी है ना मुझे इतना टेस्टी लगता है, सॉल्ट भी दिया ना, ओ हाँ भूल गए। अच्छा और यहाँ पे एडिटिंग कर रही हो, और पीठ में मेरा क्यों दर्द हो रहा है पता नहीं, क्योंकि शायद मैंने कुछ उठाया था या इतने दिनों का थकान की वजह से पूरा पीठ का जगह मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। स्वीटी को बोला थोड़ा तेल लगा देना, और मेरे एक फ्रेंड है ना आलो, उसने ये दिया था, बहुत अच्छा लगा, ये साका वाला होता है ना इस तरह से,
ये बहुत शाइनी वाला होता है, ये इसके ऊपर गोल्ड का काम भी आप करा सकते हो। एज अ बंगाली के लिए बहुत एक मूल्यवान चीज है, तो इस तरह से इसको पहनूंगी किसी स्पेशल डे पे, अच्छा लगता है। और दोस्तों का गिफ्ट दिया हुआ चीज है ना, वो उसका मूल्य कुछ अलग ही होता है, वो सालों साल एक यादों में रह जाता है और वो सारी चीजें रह जाती है। और मेरा घर का मेरा टेबल देख के खुशी हो रही है, ये तीनों, अरे वाह, तीनों दोस्त यहाँ पे है। ये मेरा 5 स्पाइस फ्राइड राइस रेडी हो चुका है, के ऊपर थोड़ा सेसमी का सीड्स गार्निश करके बस अभी खा लेते हैं, चलो बहुत टेस्टी लग रहा है। हेलो मम्मी, तुम्हारे लिए सरप्राइज। जो खुशबू है कहा से आप लोग को भेज पाते, देख कर लगेगा बहुत सिंपल है, लेकिन इसका वारंटी है क्योंकि मैं खाई हूँ पहले भी। थैंक यू। और भी नया नया जो डिशेस है वो जो बना के देख रही थी, हाँ। वो तो मुझे खिलाओ, ये तो मैंने ऑलरेडी खा चुकी हूँ। ठीक है, नहीं फिर भी थैंक यू। यहाँ पे हो रहे लिपाई पुताई, और एक्चुअली आज एक वीडियो का शूट था मेरा और स्वीटी का, तो आने वाले दिनों पे आपको देखने मिलेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, इसलिए इंस्टाग्राम पे आएगा वो पापा वो दो फेस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब जरूर करना। भी मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।